हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड के क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किया है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹1.10 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 500 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.2% का डिविडेंड रिकमेंड किया है, और यह डिविडेंड के शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया। तो चलिए अभी डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट है, यह पिछले क्वार्टर दैट इज क्वार्टर थ्री 21 के रिजल्ट है, यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर फोर 20 के रिजल्ट है। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लाख एक्सेप्ट इक्विटी शेयर डाटा। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 21,493 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर की थी 19,985 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 22,890 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 1,500 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 1,400 लाख रुपए डिक्रीज हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो हैं 20,617 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर के थे 18,880 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 18,694 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम तो 1,500 लाख इंक्रीज हो गई है, पर जो खर्चे हैं कंपनी के वो 1,700 लाख से ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। देखिए, इनकम कम इंक्रीज हुई पर जो खर्चे हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो गए। इसका क्या मीनिंग हुआ? कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया, जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। और यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देखिए, कंपनी की इनकम तो इस क्वार्टर के पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम है, पर जो खर्चे हैं वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो है 840 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 1,058 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 4,157 लाख रुपए। तो देखिए फ्रेंड, यदि मैं पिछले साल सेम क्वार्टर के प्रॉफिट को इस क्वार्टर से कंपेयर करूं तो कितना कम है इस क्वार्टर का प्रॉफिट? वो क्यों? एक तो इनकम कम हुई, ऊपर से कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं पिछले साल के। इनकम कम है पर खर्चे बढ़े हैं, इसकी वजह से देखिए कितना कम प्रॉफिट है ईयर बेसिस पे। और यदि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखूं तो खर्चे थोड़े से ज्यादा ही बढ़े हैं इनकम से, जिसकी वजह से इनकम ज्यादा होने पर भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है कंपनी का इस क्वार्टर का 782 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 766 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3,457 लाख रुपए। तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से टैक्स थोड़ा सा कम लगा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बढ़ गया है कंपनी का पिछले क्वार्टर से, एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो कम ही है। यदि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ा सा बढ़ गया है, मामूली से ही बढ़ा है, 1 से 2%, वैसे फ्लैट ही कह सकते हैं इसको। और यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है, अराउंड 75% डिक्रीज हो गया है, जो कि काफी बेकार है। तो कंपनी के रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो फ्लैट कह सकते हैं, वैसे कमजोर ही है, वीक ही है, क्योंकि ये तो टैक्स की एडजस्टमेंट की वजह से फ्लैट आ गए हैं, वैसे तो कम था कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही ज्यादा बेकार है कंपनी का रेट। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 96 पैसे पर शेयर, पिछले क्वार्टर का था 94 पैसे पर शेयर, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 4.24 पैसे पर शेयर। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 2 पैसे पर शेयर दैट इज 0.02 रुपीज पर शेयर इंक्रीज हो गया है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹3.28 पर शेयर डिक्रीज हो गया है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट फ्रेंड कंपनी के अच्छे नहीं है। ओके, थैंक्स।